स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद रवि पे। तो आज हम इस अपने करंट अफेयर वाले में चर्चा करने वाले हैं हम लोग 16 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है, सपने वो नहीं है जो आपको नींद में देखते हैं। जो आप नींद में देखते हैं वो उसको सपना नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। रियल मायने में सपना वो है यार जो आपको सोने नहीं देगा। आपको कोई लक्ष्य को हासिल करना है, उसके लिए आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, रात कुछ भी हो, पढ़ाई के मामले में हो या कोई बिजनेस के मामले में हो, तो वो सपना सपना होता है। तो ये यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब गुड थॉट है। हमेशा अपने करंट अफेयर के अपने सीरीज में आप गुड थॉट को रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गुड थॉट की बात कर रहा है भाई लोग। तो चलो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज के करंट अफेयर को पढ़ते हैं कि हमारा करंट अफेयर क्या क्या रहा है 16 अक्टूबर का, तो इसकी हम बात करेंगे। ओके चलिए, बोला है किस देश को दो साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये बोल रहा है कि कौन सा देश है जिसको चुना गया है IASA के अध्यक्ष के रूप में दो साल के लिए, ये बोला गया। तो हमें हमारा उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए, अगर आप लोगों ने करंट अफेयर देखा होगा। IASA मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये देखिए ये स्टार्ट किया गया था, इसमें भी 121 देश हैं, इसके 121 सदस्य देश हैं, और ये पहला स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। पता है नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बताया था कि हम एक इस IASA की स्थापना करेंगे, सब जितने भी देश हैं सौर गठबंधन करेंगे, जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जो सोलर एनर्जी होगा वो करेंगे, कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल, देखिए फॉसिल फ्यूल उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन बोलते हैं इसको, जीवाश्म ईंधन हम उसको बोलते हैं जो कि बहुत वर्षों के बाद तैयार हो, करोड़ों करोड़ों वर्ष के बाद जमीन के अंदर फाइली प्रेशर में तैयार हुआ और वो फिर उसका निर्माण होने में बहुत समय लग जाए। जैसे कि हम बात करें पेट्रोल का, अगर पेट्रोलियम हमारा खत्म हो जाता है तो बाद में उसका निर्माण में करोड़ों वर्ष लग सकता है, तो एक न एक समय आएगा तो वो खत्म होगा। तो इसलिए बोला कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन बनाया जाए, जिससे कि सौर ऊर्जा को हम कैसे किस तरह से यूज करें, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने ये सब प्रस्ताव रखा था। और यही बात है कि जैसे देखिए 2015 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था पेरिस के, कहा रखा था पेरिस में, लेकिन देखिए नवंबर 2015 में कहा गया, यहां पर मैंने नहीं लिखा हो, तो नवंबर 2015 में IASA एक तरह से एस्टेब्लिश्ड हुई, IASA एस्टेब्लिश्ड हुई नवंबर 2015 में, ये ध्यान रखना। IASA इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया और IASA का भी जो कार्यकाल दो साल आगे अध्यक्षता करेगा कौन करेगा भाई, भारत करेगा। कौन करने वाला है भाई? भारत करेगा। तो ये सवाल आएगा IASA का अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? भारत। कितने साल के लिए? दो सालों के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहां, ये पूछता, मुख्यालय कहां है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का? तो गुड़गांव हरियाणा। कहां भाई लोग? गुड़गांव हरियाणा। कहां है? गुड़गांव के हरियाणा। देखिए ये जो ऊपर में ये जो रेखा देख रहे हैं, ये कौन सा रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने बताया था बायोलॉजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट मींस ये हुआ, ये जो हमारे पूरे जो पृथ्वी, पूरे जो पृथ्वी है उसकी मैंने बताया कि काल्पनिक रेखाएं खींची है, एक जीरो डिग्री बीच में, देखिए जीरो डिग्री, जीरो डिग्री पे बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। जीरो भारत हमारा कौन सा रेखा पड़ता है? कर्क रेखा पे। देखिए कर्क रेखा केवल भारत से गुजरती है, ऊपर में कर्क रेखा, मैंने बताया था काम ऊपर में का नीचे में, कम याद रखिए, तो कर्क रेखा ऊपर में था, कर्क रेखा नीचे में था मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों के बीच में जो टेम्परेचर होता है उष्ण कटिबंधी इसको बोलते हैं, ठीक है उष्ण कटिबंधी। यहाँ पे ज्यादा मतलब कहने का मतलब देखिए बीच में जीरो डिग्री है ना, जीरो डिग्री पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर के जो क्षेत्र है भाई जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री के ऊपर में 23 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर वाला को बोलते हैं कर्क, 23.5 डिग्री साउथ वाला को बोलते हैं मकर। ये दोनों के बीच में जो होता है एरिया, ये ज्यादा मतलब इसमें जो सूर्य का लाइट है एक तरह से कुछ ज्यादा प्राप्त होता है, ये बोला गया, जो जो सूर्य की लाइट को ज्यादा फेस करता है ज्यादातर इसी, यही सदस्य इस देश, इस हमारे अलायंस का सदस्य इसी कंट्री, यही वाले कंट्रीज हैं। साथ ही साथ और भी जो कंट्री जो इस एरिया में नहीं पड़ते वो भी भाग ले सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें सदस्य बन सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ये याद करना है कि दो साल के लिए भारत को अध्यक्ष बनाया गया है, इसमें 121 देश सदस्य हैं, इसका मेन लक्ष्य है कि फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करके हमें सोलर एनर्जी का यूज किया जाए, ठीक है। और ये आपको पता चल गया कि टॉपिक ऑफ कैंसर का ज्योग्राफी की चीजों को आपके बारे में क्लियर हो गया, अगले चीजों की ओर चलते हैं। अगला बोला कि अंगीकार, एक अभियान का नाम है अंगीकार, ये ध्यान रखिएगा, अंगीकार
एक अभियान है, उसने एक उस पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी किया गया। ये जो अभियान है कौन सा मंत्रालय कौन सा मिनिस्ट्री द्वारा, देखिए बहुत सारे मिनिस्ट्री हमारे होते हैं, कैबिनेट होते हैं, मैंने बताया कि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट जो हमारे होते हैं मंत्रिमंडल होता है, सबको बांटा होता है, कोई मानव संसाधन मंत्रालय है, कोई गृह मंत्रालय है, तो उस तरह से सब लोग कुछ ना कुछ मतलब अपना योजना स्टार्ट करते हैं, कोई अभियान स्टार्ट किया। तो ये जो अंगीकार अभियान को किसने स्टार्ट किया, कौन से हमारे मंत्रालय ने, तो आपका उत्तर गृह मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय। गृह मंत्रालय आप समझ रहे हो कि होम मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, अमित शाह भी हैं, मानव संसाधन मंत्रालय HRD बोलते हैं, ठीक है, जो कि पोखरियाल निशंक है, ठीक है। तो इस तरह से उपभोक्ता मामले खास सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, तो कौन सा उत्तर होगा, तो आपका उत्तर होगा भैया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर। आवास चाहे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, हाउसिंग मतलब घर आवास हो गया और अर्बन मतलब शहरी मामलों के जो मंत्रालय है, इनका जो मिनिस्ट्री है, इनके मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया अंगीकार अभियान। अंगीकार अभियान एक तरह से ये है कि जो जो लोग जिनको इंदिरा आवास जो हमारे अर्बन में जो घर मिला, जिनको शहरी आवास योजना के तहत जो घर मिला है, जो चीजें मिले उनके अंदर में एक व्यवहार को विकसित करना है, सामाजिक व्यवहार को विकसित करना है कि वो अवशिष्टों का प्रबंधन कैसे करेंगे, स्वच्छता कैसे रखेंगे, एनर्जी और जल को कैसे बचाएंगे, इस तरह की चीजों को इसमें बताया जाएगा। ये अंगीकार अभियान उसी से रिलेटेड है। तो पूछता है कि शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कौन है, हरदीप सूरी। कौन है भैया, हरदीप सूरी है जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मतलब हमारे मंत्री हैं, हरदीप सूरी, ये ध्यान रखिएगा, हरदीप सिंह सूरी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला है कि नगरनार स्टील प्लांट, हाल में बहुत चर्चा में रहा है नगरनार स्टील प्लांट, तो बोला जो नगरनार स्टील प्लांट है NSP कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी। तो पहले जान लेते हैं कि नगरनार जो स्टील प्लांट था, भाई लोग, तो ये क्या हुआ ना, ये जो प्लांट है तो ये पहले था हमारा NMDC के साथ मर्ज में था, NMDC के साथ में कोलैबोरेशन में था, जिसको बोलते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय, देखिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय, ये देखिए सरकारी, ये कहने का मतलब हुआ कि इसके साथ में था। अब क्या किया सरकार ने, कि इसको वहां से डीमर्ज कर दिया, वहां से हटा दिया, और एक तरह से ये समझ लीजिए इसको हटा दिया, NSP जो प्लांट हमारा है इसको NMDC से अलग कर दिया। अब सरकार कह रही है कि इसको हम एक तरह से सार्वजनिक, जो हमारा ये सार्वजनिक क्षेत्र का था पहला, तो इसको बोला कि अब इसको हम इसका कुछ हिस्से को, कुछ शेयर का पूरे हिस्से को हम किसी प्राइवेट संस्था को बेचें, कहने का तो इसको प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। नगरनार स्टील प्लांट जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में कहां है भाई, छत्तीसगढ़ में स्थित है, कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे, CM का नाम है भूपेश बघेल, यहाँ के CM कौन है, भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल अनुसुईया उइके। देखिए ये जो राज्यपाल है और ये जो CM है, ये ज्यादातर सवाल पूछा जाता है, तो मैं इसलिए बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, हमारी जो गवर्नर है उन वहां की अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ का क्लियर हो गया। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ तो पता होगा शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ की राज्यपाल की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल। हम राजस्थान की बात करेंगे तो अशोक गहलोत जी हमारे यहाँ के CM है, और यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो ये आपको एक बनाना है, आपको एक तरह से नोट से बना लेना कि कहाँ के राजपाल कौन कौन है, और जब मैं बताते जाऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बार बार चीजें आएंगी, आपको परेशान नहीं होना। उत्तर प्रदेश का तो सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ नाम चेंज करने में बहुत बेहतरीन आदमी है, और यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश और MP UP दोनों के राज्यपाल सेम है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की है यहाँ की राज्यपाल। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ओके। चलिए तो ये जो स्टार्ट किया, देखिए अब हम बात करेंगे, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में था, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए तो अब आपको यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर क्या है, बोला कि शोभा नायडू जिनका हाल में निधन हो गया, एक शोभा नायडू थी उनका नाम था, उनका निधन हो गया, वो कौन से पेशे से जुड़ी है,
गायन, फिल्म जगत, नर्तकी, खेल। तो ये शोभा नायडू थी, ये क्या थी, एक नर्तकी थी। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, ये सवाल तो बहुत जबरदस्त पूछता है। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ का नृत्य कौन कौन है, इसके लिए ट्रिक के साथ। तो ये सब मेरे जब मुझे समय मिला मैं बनाऊंगा, जो काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी होगा। तो कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। इस तरह से केरल का लोक नृत्य कथकली, मोहनी अट्टम, इस तरह से आपको ठीक है। भारत बिहार की अगर बात करें तो जाट, जटिन, विदेशिया। बिहार के लोक नृत्य कौन है, जाट, जतिन, विदेशिया। जम्मू कश्मीर का कौन सा, रऊफ। केरल का कौन सा, मोहनीअट्टम, कथकली, ये सब हमारे केरल का ठीक है। अब हम बात करेंगे भरतनाट्यम, यहाँ कहाँ का, ये भी हमारा केरल का ठीक है। इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है, सारे चीजों को, कहाँ का लोक नृत्य कौन है। तो मैंने क्या बताया, जो शोभा नायडू थी ये आंध्र प्रदेश की थी, ये नर्तकी थी, ये नृतांगना थी जो कुचिपुड़ी का नृत्य करती थी, और ये आंध्र प्रदेश से, और ये नर्तकी से संबंधित थी, आंध्र प्रदेश की थी। अब आंध्र प्रदेश की बात जब करेंगे तो यहाँ के सीएम कौन है भाई, वाई एस जगमोहन रेड्डी। यहाँ के सीएम कौन है, वाई एस जगमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्र, विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ के सीएम है जो वाई एस रेड्डी है, वाई एस जगमोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश के सीएम, और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल हो गए विश्वभूषण हरिचंदन ठीक है। देखिए ये तीन राजधानी, अरे जब इनका, जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ हमारे तेलंगाना से, तो इसकी तीन राजधानियां बनी ठीक है। तीन राजधानी कौन है, तो बोला कि जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक शहर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या, एक बंदरगाह भी है, एक बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम, एक प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम, कहां पड़ता, आंध्र प्रदेश में। तो ये है कार्यकारी राजधानी, एग्जीक्यूटिव। मैंने बताया था कल ही यार पॉलिटी के सवाल में, एग्जीक्यूटिव राजधानी कौन हो गया भैया, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और अमरावती है जो विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव, विधायी राजधानी मतलब लेजिस्लेटिव, जहां पर कानून बनेगा, जहां पर ये विधायी राजधानी होगा, जहां पर संसद, विधानसभा ये सब होगा। तो विधायी राजधानी बनाया है किसको भाई, अमरावती को, अमरावती को। यहां से याद रखिए वा इसमें लगा, ये ध्यान रखिए इसमें वा लगा है, वती लगा है, वती लगा है, तो ये विधायी राजधानी, ये क्या होगा भैया, विधायी राजधानी होगा, ये वती है, विधायी राजधानी, ये क्लियर होगा ठीक है। और हमारा बांध देखिए विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम तो कार्यकारी, क्योंकि बड़ा है, तो जहां बड़ा होगा जहां पे कार्य ज्यादा होगा, तो बड़ा सबसे बड़ा शहर है, और वहां पे वाणिज्यिक केंद्र भी, वहां पे ज्यादा, वहां पे व्यापार भी होता, तो व्यापार भी है और बड़ा भी है, तो वहां पे क्या हो गया भाई, कार्यकारी राजधानी। अब हमारा एक न्यायिक राजधानी जिसको बनाया कुरनूल, कुरनूल एक जगह है आंध्र प्रदेश का, तो कुरनूल जिला है, ये उसको बनाया है न्यायिक राजधानी। इसमें न लगा है तो ये न्यायिक राजधानी, इसमें ना लगा तो न्यायिक, यहाँ पे जितने भी आप देखिएगा, यहाँ पे हाईकोर्ट हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, फैसले ले जा सकते हैं। तो शोभा नायडू हमारे कुचिपुड़ी से संबंधित थी, आंध्र प्रदेश की थी, आंध्र प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कर ली ठीक है। आगे चलते हैं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, देखिए किलिमंजारो पर्वत है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप लोग के लिए मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा एक एक पर्वत। आप पूरे विदेश, पूरे मतलब कहने का पूरे वर्ल्ड के एक एक पर्वत के बारे में आप याद रखिए, आपको मैं याद करवा दूंगा सब, आपको परेशानी होता। तो किलिमंजारो पर्वत है ये जो हमारा अफ्रीका के पड़ता है तंजानिया में, कहां पड़ता है भैया, तंजानिया में। तो तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमो। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमो। तो किलिमंजारो कहां भाई, तंजानिया में। ये क्यों न्यूज में, मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आग लग चुकी है, पर्वत पे आग लग चुका है बहुत ज्यादा। ये हमारा जो पर्वत है ये ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। एक पर्वत का निर्माण होता है कि प्लेट जब अति होता है तो उसके बाद जो प्लेट होता है, लेकिन एक ज्वाला, ये ज्वालामुखी पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत है जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है भैया, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, कौन है, माउंट एवरेस्ट है, ये आपको पता होगा। तो ये किलिमंजारो पूरे अफ्रीका का ऊंचा पर्वत है, इसकी ये तंजानिया में पड़ता, तंजानिया कैपिटल डोडोमो। अब बात करें जामिया, जामिया का कैपिटल है लुसाका, जामिया है, इसकी राजधानी लुसाका पड़ती है। घाना, इसकी राजधानी अकरा पड़ती है, घाना इसकी राजधानी अकरा पड़ती है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन पड़ेगा, प्रिटोरिया पड़ेगा ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी दो, केप टाउन प्रिटोरिया, केप टाउन प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका में एक जोहान्सबर्ग शहर है जिसे सोने की नगरी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग शहर है जिसे सोने की नगरी कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे क्रिकेट के मैदान है, केप टाउन भी मैदान है, प्रिटोरिया भी है, जोहान्सबर्ग है, ये सब क्रिकेट फील्ड है दक्षिण अफ्रीका।
ओके, दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमने बात कर लिया, हमने तंजानिया के बारे में बात कर लिया। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो देखिए ये मैप है हमारा पूरा अफ्रीका का। देखिए ये पूरा अफ्रीका का मैप आप अगर आप देख रहे हैं भाई, तो देखिए ये देखिए पूरा इधर एशिया है, इधर क्या है एशिया, अगर हम इधर देखेंगे तो चलेगा, इधर देखिए चलेगा ऐसे करते करते, और देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये भारत का इधर निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे भारत इधर है, ठीक है, इधर भारत है, ये पूरा एशिया एशिया हमारा महादेश है, और इसके बगल में अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया को एक जलसंधि द्वारा अलग किया जाता है, इस जलसंधि का नाम क्या है, इस जलसंधि का नाम है भाई, इस जलसंधि का नाम है, आप अगर मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ओके ये कलर चलेगा, ये कलर चलेगा, ठीक है। इस जलसंधि का नाम है स्वेज नहर, क्या नाम है भैया, स्वेज नहर। यहाँ पे मिस्र था, इजिप्ट था, यहाँ पे सनाई प्रांत था, यहाँ इसको काट दिया गया क्योंकि व्यापार करने में इधर से घूम के जाना पड़ता था, पता है विश्वास को डिगामा ऐसे कैसे करके आया था, तो बहुत समय लगता था व्यापार करने में, तो इसको काट के नहर बनाया गया, और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, ये हमारा भूमध्य सागर, और यहाँ पे लाल सागर, यहाँ पे लाल सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर, इस दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर कौन कौन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। और बात करेगा स्वेज नहर कौन कौन दो मतलब देशों को अलग, दो दो महादेशों को अलग करती है, तो हमारा स्वेज नहर बोल सकता है, स्वेज चैनल बोल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे अफ्रीका महादेश को और एशिया महादेश को अलग। अब यहाँ पर देख रहे हैं मोरक्को, यहाँ मोरक्को इबन तूता यहीं से आया था, इबन तूता भारत में मोरक्को का ही निवासी था, इबन तूता वो भारत में आया था, तो इबन तूता ऊपर में स्पेन, वो स्पेन क्या हुआ, यूरोप हो गया, ऊपर में देख रहे हैं ये यूरोप है और नीचे में देख रहे हैं अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भी एक जलसंधि है, इसका नाम है जिब्राल्टर, इसका नाम है भैया जिब्राल्टर जलसंधि। तो जिब्राल्टर जलसंधि है जो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, और देश में स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और अगर हम बात करेंगे महादेश में कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि को एक चीज और नाम से बोला जाता है, जो बोला जाता है भूमध्य सागर का द्वार। देखिए भूमध्य सागर, ये पूरा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, इसको यहाँ द्वार है, गेट है, यहीं से तो एंट्री करेगा ना, तो भूमध्य सागर का द्वार के नाम से जाना जाता है मेडिटेरियन सी को। किसको बनाया जाता है, मेडिटेरियन सी को, ठीक है, मेडिटेरियन सी को, ठीक है। देखिए इधर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, इधर इंडियन ओशन है। तो देखिए ये मेडागास्कर एक मतलब हमारा ये मेडागास्कर एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है अफ्रीका का, तो मेडागास्कर एक द्वीप है, तो मेडागास्कर को अफ्रीका महाद्वीप के मेन क्षेत्र से मतलब जो मेन एरिया से अलग करता है, इस चैनल का नाम है मोजाम्बिक। कौन चैनल नाम है, मोजाम्बिक। तो मैंने तीन चैनल की बात की, एक मोजाम्बिक हमने बात किया भैया, मोजाम्बिक, ठीक है। तो मोजाम्बिक किसको इस पर अलग करता है, मेडागास्कर और हमारा अफ्रीका महादेश को, या देश पूछेगा तो केवल मोजाम्बिक को, ठीक है, कि देखिए अफ्रीका का मोजाम्बिक। हमने बताया एक स्वेज नहर, तो स्वेज नहर किसको स्वेज नहर हमें किसी को अलग करता है, ठीक है, तो स्वेज नहर हमें अलग करता है अफ्रीका को एशिया से, ये क्लियर। अगर पूछेगा कौन से सागर को, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। हमने इसलिए लिया मैप कि यहां से आपको ज्योग्राफी का चीज क्लियर हो, भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये सब आपको याद करने भाई। जिब्राल्टर जलसंधि किस को अलग करता है, तो भूमध्य सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर को, और इधर हमारा अटलांटिक सागर को, ठीक है, अटलांटिक सागर जोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान हो गया। अब हम देखेंगे ये कौन कौन देश को अलग करता है, यूरोप महादेश को प्लस में अफ्रीका महादेश को, देश की बात करें तो स्पेन को और इधर मोरक्को को, क्लियर, ओके। अब देखिए अफ्रीका में ही हमारा एटलस, इधर एटलस रेंज है, एटलस रेंज पूरा अफ्रीका में है, ऊपर पूरा अफ्रीका के ऊपर जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है ना, पूरा डिजर्ट है, ये सहारा डिजर्ट है, क्या है सहारा डिजर्ट। देखिए ये हमारा क्या है, इजिप्ट है, ये मिस्र है, ये क्या भैया हमारा इजिप्ट है, इसको मिस्र के नाम से बनाते हैं, नील नदी के देन। ये देखिए हमारा विक्टोरिया झील, सबसे ज्यादा पानी इसी झील में है पूरे, क्योंकि जीरो डिग्री पर है, ये जीरो डिग्री पर है, कौन से डिग्री पे है, जीरो डिग्री पे पड़ता है, तो जीरो डिग्री पे ज्यादा वर्षा होती है, तो उस झील में सबसे ज्यादा पानी। तो विक्टोरिया झील कहाँ है, अफ्रीका के अंदर, कहाँ है भैया अफ्रीका के अंदर, और ये जीरो डिग्री पड़ती है, कौन से डिग्री पर, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री किसको बोलते हैं, भूमध्य सागर को। तो अफ्रीका, ये
भूमध्य सागर को हम बोलते हैं, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा को बोलते हैं जियोडे रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। तो विक्टोरिया जलुस्थल इसे यहीं से निकलते हैं नील नदी, यहीं से निकलते हैं नील नदी और जाके गिरती है भूमध्य सागर में। तो इतना कुछ ज्यादा कंसेप्ट मैंने करा दिया। यहाँ पे एक और देखिये अदन की खाड़ी है, यहाँ पे लाल सागर है, इसको भी दोनों को जोड़ती है बाब अल मंदाब जल संधि, जो की बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, बाब अल मंदाब जल संधि। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं करवा सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं करवाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो जितनी चीजें आपको ज्ञान लेना था मैंने वहां पे दे दिया, ठीक है। देखिए साउथ अफ्रीका देखिए कहाँ पे नीचे है, देखिए मैंने बताया कि कहाँ पड़ता तंजानिया, तंजानिया देखिए यहीं पे किलिमंजारो पर्वत, ठीक है। तो जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा भाई तो वहां पर मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा आपको, पूरा मैप बना सकते हैं आप, ठीक है, मैप बना सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो मैंने कहा था कि जो कैसी कैसी ज्वालामुखी थी, जो देखिए ज्वालामुखी के तीन प्रकार होते, एक एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी किसको बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी किसको बोलते हैं, जो क्या होगा सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है जो अभी भी सक्रिय है, वो हमेशा जब विस्फोट होते रहता है, लावा गैस निकलते रहता है ज्वालामुखी के अंदर से, कहने वाली ज्वालामुखी है ये, ज्वालामुखी है तो यहाँ से हमेशा लावा गैस निकलते रहता है, ये सक्रिय हो गया। तो इसके अंदर में कौन है, भारत के अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड, ये ज्वालामुखी का नाम है, बैरन आइलैंड हो गया, हवाई द्वीप का मौना लोवा हो गया, एटना हो गया, ठीक है, सिसिली का एटना हो गया, स्ट्रॉम्बोली हो गया, इटली का विसुवियस हो गया, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी हो गया जो कि हमारा, ठीक है, मेक्सिको का, ये सारे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे कौन कौन से ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी कौन होंगे, जो जिससे हमेशा अभी तक निकलते हैं, ये निद्रित में जो सो गए डोरमेंट ज्वालामुखी। तो डोरमेंट ज्वालामुखी में आता है देखिए हमारे, जो मैंने बताया था अभी किलिमंजारो, किलिमंजारो जो पर्वत है भैया डोरमेंट ज्वालामुखी के अंदर में आता है, ये सो गया, ये कब उठ जाएगा गारंटी नहीं है। तो क्या होता है ना कि लोग इसके अंदर बस, ये ज्वालामुखी उसके नीचे लोग अपना बस गए, यहाँ पे रह रहे हैं लोग, अब ये कब फट जाएगा, कब बर्बाद कर देगा पूरे, बहुत बार ऐसा हो चुका है भाई बहुत बार। तो बोला ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक होते हैं, सोए हैं लेकिन कब सक्रिय हो जाएंगे इसका पता नहीं, ये सुसुप्त है निद्रित अवस्था में, डोरमेंट अवस्था में, तो इनएक्टिव है, कभी एक्टिव हो सकता है, ठीक है। ये जापान के फ्यूजिमा है और फिलिपींस के मेन इसके एग्जांपल। शांत ज्वालामुखी कौन हो गया भैया, जो एकदम उड़ा था, कभी कभी एकदम पूरा फटा था, अब उस मतलब एकदम शांत है, अब उसमें कभी विस्फोट नहीं हो सकता है, जैसे कि बर्मा में पोपा है, अफ्रीका का चिमराजो है, हवाई द्वीप का मिनाको, ईरान का कोह सुल्तान है, ये सब ज्वालामुखी जब मैं बढ़ाऊंगा वहां पर करूंगा चर्चा। तो यहाँ पे आप एक इसका गूगल का यूज किया करिए भैया, विकिपीडिया का यूज करिया करिए, कौन से ज्वालामुखी कैसे, जब समय मिलता है तो आप ज्ञान लिया करिए विकिपीडिया से, जो आपको समझना, अच्छा पर्वत का निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं, ज्वालामुखी कैसे निर्माण होता है, सारा यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा बहुत सारा चीज, यूट्यूब पर हमारे गूगल पे एक एक चीज का नोट्स पढ़ा हुआ, वो भी आप वहां से कर सकते हैं फॉलो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 15 अक्टूबर को, विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को, हमारे इनका क्या बोलते हैं, इनका हमारा जन्मदिन भी, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी 15 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितना कब मनाया था भाई, 15 अक्टूबर कब मनाया था भाई, 15 अक्टूबर। तो ये तो डेट आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है। बोला हाल में किस देश ने इपीवा कोरोना नाम की वैक्सीन तैयार की, कौन सा देश, जो ये जो वैक्सीन तैयार किया ना, ये दूसरा वैक्सीन है, पहला वैक्सीन जो तैयार किया था स्पुतनिक, स्पुतनिक कोरोना का वैक्सीन है, स्पुतनिक 5 तैयार किया था रूस द्वारा, तो रूस ने भी इसको स्टार्ट किया, हमें इपी कोरोना वैक्सीन स्टार्ट किया रूस द्वारा, किसके द्वारा स्टार्ट किया भैया, रूस द्वारा स्टार्ट किया, रूस की राजधानी मॉस्को, अमेरिका की राजधानी हमारा वाशिंगटन डीसी, कनाडा की राजधानी ओटावा, भारत की राजधानी हमारा, देखिए तो रूस की बात करेंगे तो हमारी अगर भारत अगर देख रहे हैं, ठीक है, भारत देख रहे हैं तो भारत के ऊपर चाइना है और उसके ऊपर ये, इसके ऊपर में देखिए पूरा रूस है, ठीक है, ये रूस हो गया, ठीक है, रूस जो हमारा एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, ठीक है, ओके, यहाँ पे देखेंगे हमारा, ओके, तो ये हमारा रूस हो गया, रूस ने स्टार्ट किया हमारा इपीवैक कोरोना वैक्सीन, ये ध्यान रखिएगा, दोनों वैक्सीन का नाम बताया स्पुतनिक 5, इपीवैक कोरोना वैक्सीन, ओके, आगे चलते हैं। हाल में कौन सा क्रिकेटर जिनका नाम था जॉन रिचर्ड, उनका निधन हुआ कौन से देश के, तो जॉन रिचर्ड थे हमारे न्यूजीलैंड के भाई, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, देखिए जॉन रिचर्ड, ये देखा आप देख रहे हैं, इनका मृत्यु हो गया, इनका मृत्यु बूढ़े हो चुके थे, तो इनका मृत्यु हो गया, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, तो जॉन रिचर्ड था, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। अब बात ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये सब तो आपको देखने हैं, चल ठीक है, आगे बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएओ मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन,
ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य एवं कृषि को एक डेवलपमेंट के लिए, इसको अच्छे संरक्षण के लिए एक बनाया गया संगठन, इसका नाम है FAO। इसकी अगर हम बात करें मुख्यालय का, तो मुख्यालय इटली है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 का। FAO का मुख्यालय, जैसे आप देखिए खाद्य खाना वाला चीज है, खाद्य एवं कृषि, देखिए ये ध्यान रखिए कि इसका मुख्यालय कहाँ भैया, रोम की इटली में। एक और सवाल आया था बर्ड फूड प्रोग्राम, इसकी मुख्यालय कहाँ, बर्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी मुख्यालय कहाँ, इसका भी मुख्यालय है रोम, ये ध्यान रखिएगा। FAO का ये टैग है, ये देखिए इसका मतलब था, इसमें लिखा है फियाट पैनिस, फियाट पैनिस, फियाट पैनिक का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक भाषा है, इसका मतलब होता है सबको रोटी मिले, सबको रोटी मिले, सबको रोटी मिले, फियाट पैनिस का मतलब होता है सबको रोटी मिले। तो बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FAO का 75 वर्ष, 45 में स्थापना हुआ तो आज 75 वर्ष हो गया। तो बोला कि कौन कितने वर्ष का स्मारक सिक्का, एक स्मारक सिक्का अलग होता है, स्मारक सिक्का होता है कि बस उसको जारी किया था, वो सब जगह नहीं चलता। आज 10 का सिक्का देख रहे सब जगह चल रहा है, 75 का सिक्का कभी देखे हैं, वो केवल स्मारक सिक्का रखने के लिए कि 75 साल हुआ था FAO का, उनके वो सिक्का पे लिखा रहेगा FAO और वो सिक्का एक म्यूजियम में रखा जाएगा। तो 75 वर्ष, जब हमारा 75 वर्ष हो गया तो 75 सिक्का ही, 75 रुपए का सिक्का जारी कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, 75 रुपए का सिक्का जारी किया, जो स्मारक सिक्का है FAO नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन का हमारा कहाँ है भाई, तो रोम में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम में। आगे चलते हैं, कहा कि यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है भैया, तो राष्ट्रपति द्वारा। इसके जो अध्यक्ष है, इसके जो मेंबर की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, मैंने कल ही बताया था राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो उसके लिए उन राज्यों के जो छात्र हैं उनको पूरा छात्रवृत्ति योजना मिलेगा। कौन स्टार्ट किया, तो मिजोरम किया, मिजोरम के राजधानी आइजोल, असम के दिसपुर, मध्य प्रदेश के तो पता भोपाल, तो मिजोरम के द्वारा, मिजोरम राज्य के द्वारा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट किया गया। तो आप सबका राज्यपाल देखिएगा, फिर से सबका राज्यपाल देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, फिर से आप ये सब आप काम है, ये सब आपका करना है। तो मैं उस तरह के करंट अफेयर को उठाता हूं यहाँ पर, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, एग्जाम में पूछ सकते। यूपीएससी कैंडिडेट के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति योजना मिजोरम द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, आज का करेंट अफेयर खत्म, आज का करेंट अफेयर हमारा खत्म हो गया। अब मिलेंगे हम कल के करेंट अफेयर में। तो ये इस करेंट अफेयर का भाई नोट्स बनाया करिए, आपको पता कि रोज करेंट अफेयर 10:30 में आपके सामने उपस्थित होता है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, अलविदा, सबको विदा लेते हैं, धन्यवाद।